दोस्तों आज हमारी पुरानी दिल्ली से ट्रेन है काठगोदाम की। काठगोदाम से चलेंगे हम नैनीताल। तो पुरानी दिल्ली से रानीखेत एक्सप्रेस पकड़ी थी हमने, जो हमने सुबह 5 बजे उसने उतारा था काठगोदाम। काठगोदाम से नैनीताल का जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी का जो प्राइस होने वाला है वो आपको होता है 200 रुपये पर पर्सन। तो सबसे पहले हमने नैनीताल पहुँच कर ढूंढना है एक होटल। आप चाहें होटल नैनी लेक के आसपास भी ढूंढ सकते हैं, या वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर भी अवेलेबल होते हैं होटल। तो आप अपने अकॉर्डिंग होटल को सर्च कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप ऑनलाइन भी होटल अपना बुक करा सकते हैं। हमारा जो होटल था वो नैनी लेक से 150 मीटर की दूरी के आसपास था। होटल का जो प्राइस होते हैं दोस्तों वो 1800 से 2000 के आसपास होते हैं। आपको आसानी से इस प्राइस के अंदर होटल मिल जाएंगे। मार्च का महीना था दोस्तों, और जो वेदर था वेदर बहुत ही प्यारा था। ये हमारे रूम के अंदर से हमने व्यू लिया है। बारिश हो रही थी और साथ ही साथ ओले भी बरस रहे थे। तो कम से कम 2-2.5 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई, और देखिए पहाड़ों के ऊपर बारिश का जो व्यू है वो बिल्कुल मनमोहक था। ओले बरस रहे थे दोस्तों, और तभी हमने गर्मा गर्म चाय मंगाई अपने होटल से, और हमने चाय पी। और देखिए मैं आपको व्यू दिखा दूं, और ये ऊपर देखिए बादल बिल्कुल काले घनघोर बादल। बारिश बहुत तेज़ थी दोस्तों, कम से कम 2-2.5 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई है। फिर हम चल देते हैं नैनी लेक की तरफ। नैनी लेक का जो नज़ारा है वो बिल्कुल दिल को छू लेता है। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। नैनी लेक में बहुत सारी मछलियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। ये हमने मछली को ब्रेड खिलाए थे, ये देखिए। अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाइक को भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका एक दिन का किराया 500 से 600 रुपये होता है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड जमा कराना होता है। अन्यथा आप कुछ और भी वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लोकल टैक्सी भी मिल जाती हैं, जो आपको लोकल टूर कराती हैं, जिसमें आपका 1000-1200 रुपये मिलता है। ये देखिए नैनीताल का जो चौक है वो यहाँ पर है। नैनी लेक बहुत ही प्यारी है, साफ शुद्ध है। नैनीताल से दूर दूर से बंदे घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर बोटिंग करते हैं, यहाँ के माल रोड पर शॉपिंग करते हैं, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना बर्थडे केक कटिंग करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है जिसमें बच्चे झूल सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। नैनी लेक के पास अपना टाइम बताइए आप, आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जैकेट्स मिल सकती हैं, यहाँ पे स्वेटर मिल जाएंगे, शॉल मिल जाएंगे। मौसम बहुत ठंडा होता है दोस्तों, यहाँ पर मार्च का महीना है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। साथ ही साथ हम नैना देवी मंदिर चलते हैं आपको लेकर। नैना देवी मंदिर नैनीताल की लेक के बिल्कुल सटा हुआ है। आप अगर यहाँ प्रसाद लीजिए और मंदिर के दर्शन कीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर जूते उतार लीजिए, मंदिर बहुत प्यारा है। तो दोस्तों जब भी आप नैनीताल आएँ, नैना देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। नैना देवी मंदिर नैनी लेक से बिल्कुल सटा हुआ है। बहुत साफ सफाई मिलेगी आपको यहाँ पर देखने के लिए।
नैना देवी मंदिर एक बार आप जय माता की जरूर बोलिए दोस्तों। और अगर आप नैना देवी मंदिर होकर आ चुके हैं तो एक बार कमेंट पर आप जरूर बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा नैना देवी मंदिर घूमकर। हल्की हल्की बारिशें होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। वेदर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। कम से कम आपको यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बहुत ठंड थी, बारिश और ओले कंटिन्यू बरस रहे थे हर घंटे रुक रुक कर। वैसे यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, बट सभी वीडियो और फ़ोटो शूट कर रहे थे दोस्तों। तो अगर आप नैना देवी मंदिर गए हैं तो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट में बताएं आपको वहाँ पर कैसा लगा नैना देवी मंदिर जाकर। यहाँ पे बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, आप बोटिंग कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। यहाँ पर फिक्स प्राइस है बोटिंग का। नैना देवी मंदिर के अंदर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये उनके नाम है। और यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है कि अगर आपके पास खुले पैसे नहीं हैं दान के लिए तो आप स्कैन भी कर सकते हैं दोस्तों, स्कैन कर भी आप दान दे सकते हैं मंदिर के ट्रस्ट में। दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। सामने ही होटल थे, उससे पहले बारिश होने लगी फिर से और ओले आने लगे। बारिश बहुत तेज थी दोस्तों और ओले भी बहुत तेज बरस रहे थे। इस बारिश ने चार चांद लगा दिए हमारे टूर में। तो ना बारिश बंद होने के बाद हम थोड़ी देर नैनी लेक के पास ही अपना टाइम बिताते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है नैनी लेक का। देखिए मैं आपको बादल दिखा देता हूँ, ये देखिए कितने घनघोर काले बादल छा रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम करते हैं फिर थोड़ी देर बाद बोटिंग। बोटिंग का जो प्राइस है दोस्तों 420 रुपये का है। उसमें आपको पूरी झील का एक चक्कर लगवाया जाता है। एक 320 रुपये का भी है जिसमें आपको आधा चक्कर लगवाया जाता है बोटिंग का, झील का। 420 रुपये कोई बुरा बात नहीं है दोस्तों, आप जाइए अपनी फैमिली के साथ और बोटिंग जरूर करके आइए नैनीताल में। और अगर आप गए हैं वहाँ पर और बोटिंग की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं वो बना तो रही है फोन, भैया नाप चलाएंगे फिर बना देते हैं। खींचे थे हमारे फोटो आए थे दूंगी। तो दोस्तों बोटिंग करने के बाद हम नीम खरोली आश्रम चलते हैं जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। नीम करौली आश्रम पहुँचे जब हम तो वहाँ पर भी बारिश हो रही थी, तो हमने यहाँ पर दर्शन किए नीम करौली बाबा के और काफ़ी बहुत भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। कम से कम एक किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। अगर आप नीम करौली आश्रम गए हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं वहाँ आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ में मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको वहाँ पर क्या अच्छा लगा। देखिए बादल देखिए कितना है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँचाते हैं काठगोदाम, क्योंकि हमारी 8:30 की ट्रेन थी रानीखेत एक्सप्रेस। आशा करता हूँ मेरी जो वीडियो वो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों।
मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम करते हैं बाय बाय आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।